वो अलग दावा कर रहे हैं, पुलिस वाले अलग दावा कर रहे हैं। 13 जुलाई को पटना की सड़कों पर पुलिस ने जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा जाने से रोका था, वो मामला अब देश भर में सियासत का मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने धरना प्रदर्शन के साथ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्ण लाठी से पीटा था और इस पिटाई की वजह से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। इस मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी विधानमंडल से लेकर सड़क तक संग्राम करते हुए दिखी। जेपी नड्डा के आदेश पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 4 लोगों की जांच टीम बिहार भेज दिया। आज ये टीम पटना पहुंची। टीम में शामिल नेता आज घटनास्थल पर पहुंचे थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ टीम में शामिल सभी सदस्य डकबंगला चौराहा पहुंचे, जहां पहली बार पुलिस के ऊपर यह आरोप है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। पुलिस की पिटाई से जिस बीजेपी नेता की मौत हुई थी, उस मौत की जांच के लिए जब बीजेपी की जांच टीम डकबंगला चौराहे पहुंची तो उन्होंने सीधे तौर पर जो तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों की एक रिपोर्ट बनाकर वो जेपी नड्डा को भेजने वाली है। उसके बाद भाजपा इस रिपोर्ट को लेकर आगे सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक तरफ बीजेपी घटनास्थल की जांच कर रही है, अस्पतालों में जो घायल कार्यकर्ता और पार्टी के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार प्रदेश बीजेपी के नेता धरना पर बैठे हुए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर ये धरना का कार्यक्रम है जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जब मनोज तिवारी और रघुवर दास जांच कर रहे डबगला चौराहा पर पहुंचे थे, क्या कुछ जांच के दौरान मनोज तिवारी को तस्वीरें दिखी, उन्होंने पूछताछ किए, एक एक बिंदु को पेन डाउन किया जा रहा है और ये तमाम जांच रिपोर्ट सीधे दिल्ली जाएगी। बीजेपी अलग दावा कर रही है और भी अगर मतलब कार्यकर्ता है वो अलग दावा कर रहे हैं और पुलिस वाले अलग दावा कर रहे हैं। आगे नहीं जाएंगे उस रोड से आते ना सर, तो यहाँ आगे जाएंगे से लोड़ गया घुस के ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।